जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। आज हम राजस्थान का भूगोल में राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर के निर्माण कार्य का श्री गणेश कब व किसने किया था? आपको बताना है इंदिरा गांधी नहर के निर्माण कार्य का श्री गणेश कब व किसने किया था। ऑप्शन ए 23 अप्रैल 1982 श्रीमती इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन बी 31 मार्च 1958 पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने, ऑप्शन सी 15 मार्च 1952 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1947 महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 मार्च 1958 गोविंद बल्लभ पंत ने। जी हाँ, सन 1955 में अंतर्राष्ट्रीय जल समझौते के तहत 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? आपको बताना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। ऑप्शन ए बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, ऑप्शन बी सीकर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, ऑप्शन सी बीकानेर, चूरू, जयपुर, सीकर, अजमेर, दौसा, ऑप्शन डी बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, ऑप्शन बी चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान पंजाब व हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गंग नहर जो सबसे पुरानी है का निर्माण गंगा सिंह द्वारा कब किया गया? आपको बताना है गंग नहर जो सबसे पुरानी है का निर्माण गंगा सिंह द्वारा कब किया गया। ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1944 में, ऑप्शन डी 1948 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1927 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फंवारा पद्धति से ही करने का प्रावधान है? आपको बताना है वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फंवारा पद्धति से ही करने का प्रावधान है। ऑप्शन ए नर्मदा नहर परियोजना, ऑप्शन बी गंग नहर परियोजना, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी परियोजना, ऑप्शन डी माही बजाज सागर परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नहर परियोजना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से दो बांध राजस्थान में हैं। आपको बताना है चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से दो बांध राजस्थान में हैं। ऑप्शन ए जवार सागर एवं गांधी सागर, ऑप्शन बी कोटा बैराज एवं गांधी सागर, ऑप्शन सी जवार सागर एवं राणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी गांधी सागर एवं राणा प्रताप सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवार सागर एवं राणा प्रताप सागर। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 50% है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
मोरेल बांध परियोजना किस जिले से संबंधित है? आपको बताना है मोरेल बांध परियोजना किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी टोंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सवाई माधोपुर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। आपको बताना है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ऑप्शन ए तालाबों द्वारा, ऑप्शन बी नहरों द्वारा, ऑप्शन सी कुओं व नलकूपों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुओं व नलकूपों द्वारा। कुओं एवं नलकूपों से राजस्थान के जयपुर जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नौलखा बावड़ी किस जिले में है? आपको बताना है नौलखा बावड़ी किस जिले में है। ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डूंगरपुर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला है। आपको बताना है चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला है। ऑप्शन ए बाड़मेर जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर जोधपुर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा टोंक, ऑप्शन डी हनुमानगढ़ और झुंझुनू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हनुमानगढ़ झुंझुनू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में राजस्थान फीडर की लंबाई है। आपको बताना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में राजस्थान फीडर की लंबाई है। ऑप्शन ए 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी 34 किलोमीटर, ऑप्शन सी 44 किलोमीटर, ऑप्शन डी 40 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 34 किलोमीटर। जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। गलत जोड़े को चुनिए। जी हाँ, आपको बताना है गलत जोड़े को चुनिए। ऑप्शन ए गढ़सीसर बीकानेर, ऑप्शन बी गैप सागर डूंगरपुर, ऑप्शन सी कायलाना जोधपुर, ऑप्शन डी चांद बावड़ी दोसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कायलाना जोधपुर। कायलाना झील बीकानेर जिले में, इसलिए इसका आंसर जोधपुर नहीं होके बीकानेर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? आपको बताना है राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है। ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन सी दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन डी उत्तरी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपको बताना है मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए कोठारी नदी, ऑप्शन बी खारी नदी, ऑप्शन सी मेज नदी, ऑप्शन डी बेडच नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोठारी नदी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भरतपुर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? आपको बताना है भरतपुर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बंद बारेठा बांध, ऑप्शन बी मोती झील बांध, ऑप्शन सी अजान बांध, ऑप्शन डी भरतपुर नहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोती झील बांध। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। माही परियोजना का नामकरण किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया? आपको बताना है माही परियोजना का नामकरण किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया। ऑप्शन ए जमुना देवी बजाज, ऑप्शन बी जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी घनश्याम दास बजाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमनालाल बजाज।
जी हाँ, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% है। यह परियोजना माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में है। राजस्थान के बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध तथा गुजरात में कडाना बांध बनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? आपको बताना है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है। ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डूंगरपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? आपको बताना है बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनास। जी हाँ, बनास नदी पर टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे से 13 किलोमीटर दूर बिसलपुर गांव के पास बनास नदी पर बांध बनाकर इस परियोजना का निर्माण किया गया। बिसलपुर बांध से जयपुर, टोंक, अजमेर सहित कई शहरों को पेयजल की सप्लाई होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सावन भादो परियोजना किस जिले में है? आपको बताना है सावन भादो परियोजना किस जिले में है। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बारा, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी झालावाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोटा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। माही जल विद्युत परियोजना में राजस्थान और गुजरात का हिस्सा है। आपको बताना है माही जल विद्युत परियोजना में राजस्थान और गुजरात का हिस्सा है। ऑप्शन ए 45:55, ऑप्शन बी 50:50, ऑप्शन सी 40:60, ऑप्शन डी 25:75। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 45:55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान में सबसे अधिक विद्युत किस प्रकार की परियोजना से प्राप्त होती है? आपको बताना है राजस्थान में सबसे अधिक विद्युत किस प्रकार की परियोजना से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए गैसीय, ऑप्शन बी आण्विक, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी तापीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तापीय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में राजस्थान की हिस्सेदारी है। आपको बताना है सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में राजस्थान की हिस्सेदारी है। ऑप्शन ए 7.5%, ऑप्शन बी 12.5%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 6%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। लोन कनरसा लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। आपको बताना है लोन कनरसा लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए पन्नालाल बारूपाल, ऑप्शन बी कवरसेन, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी वीर तेजाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवरसेन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? आपको बताना है सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। आपको बताना है नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी टोंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाड़मेर। जी हां, आज हमने राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया। धन्यवाद।